देखो एक आ रहा है, एक जा रहा है। मन तो गए, मन तो डल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा कि सब आ जाएंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग अपने स्थान पर सुरक्षित आ चुके हैं। जय महाकाल। मुझे बताया गया कि आज चार धाम की यात्रा पे गए लोग, खास करके शिवपुरी जिले के बद्रवास के रहने वाले 61 लोग केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के दरमियान भूस्खलन की घटना के कारण से वहाँ फंस गए थे। उसमें सुरक्षित 61 लोगों में से 51 लोगों को निकाल करके पहुँचा दिया गया, हेलीकॉप्टर से लिफ्ट कराया गया है। 10 लोग जो बचे हैं वो भी सुरक्षित हैं। मैं जिला प्रशासन से, स्टेट गवर्नमेंट से, हमारी गवर्नमेंट लगातार संपर्क में, मेरा स्वयं का संपर्क हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी को कोई कष्ट नहीं हो, लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। उससे बाबा सबको कुशल क्षेम रखे, किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है, ना परमात्मा किसी की होने देगा। हम सब चाहते हैं कि हमारी धार्मिक यात्रा के दरमियान आने वाली वर्षा जनित कठिनाइयों के कारण से ये घटना घटी है। एक बार फिर मैं सबके मंगल और कुशल क्षेम की कामना करता हूँ। जय महाकाल। भगवान जी, हाँ कैसे हो आप? सब लोग सुरक्षित तो है ना? जी सर, भगवान की कृपा से बहुत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी चिंता थी। मैंने उत्तराखंड के सरकार के साथ भी पूरी बात करके, आप लोग सुरक्षित रहे, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की। अब सबको वहां कह देना मेरी निगरानी है, कोई चिंता ना करें, और जो हमारे बाकी 8-10 लोग हैं वो भी आज सुरक्षित पहुंच जाएंगे। अभी 11 लोगों को पता चल गया। हाँ मालूम है, उनको भी मैं ला रहा हूँ, चिंता मत करना, मैं हूँ ना, आप चिंता मत करो। जी जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप और वहाँ सबको मेरा प्यार दे देना। जी जी अवश्य। हाँ मेरा प्यार दे देना और कह देना कि मैं चिंता कर रहा हूँ, चिंता ना करें कोई भी। नहीं मैं अभी आपका फोन ऑन करके मैं सबको सुना देता हूँ आपकी भाषा। हाँ सभी लोग को मेरे तरफ से आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सभी निगरानी रख रहा हूँ, सभी को सुरक्षित वापस लाऊंगा मैं, और सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, अपना ख्याल रखना। ठीक है ठीक है गोपाल जी, अपना ख्याल रखिएगा। और कोई और कुछ और भी जरूरत पड़ेगी मुझे सीधा फोन कर लेना। ठीक है ठीक है।